एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोगों का टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ गुण। इसके पहले मैंने त्रिदोष विज्ञान स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने बताया था आपको प्राकृत दोष और व्याकृत दोष का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। उसके बाद हम लोगों को दोष पढ़ना चाहिए, डेट इज वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष का फंक्शन, प्लस उसके ओवरऑल जितने भी होते हैं डिटेल में। लेकिन आज मैं आपको उसके पहले गुण क्यों पढ़ा रही हूँ, इसका एक रीजन है, क्या है हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुण होता क्या है। ओके, सो गुण इज अ क्वालिटी ऑफ द्रव्य। हम लोग जानते हैं कि जो द्रव्य हमारे आसपास जो भी द्रव्य होते हैं वो पंच महाभूत से बने हुए होते हैं। कोई एक पर्टिकुलर द्रव्य में कोई एक महाभूत का आधिक्य होता है एंड उस पर्टिकुलर महाभूत की वजह से वो उस द्रव्य को गुण प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि दोष तो एक कोई द्रव्य नहीं है, फिर भी दोष में गुण का क्या रिलेशन है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे प्रीडोमिनेंट महाभूत, उसी तरह दोष में भी प्रीडोमिनेंट महाभूत पाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो वात दोष में वायु और आकाश का आधिक्य होता है, तो उसकी वजह से वो गुण प्रोवाइड करते हैं उस दोष को। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कफ दोष में गुरु गुण होता है। जैसे कि मैंने आपको अष्टांग हृदय में पहला अध्याय में एक श्लोक बताया था, स्निग्ध शीतो गुरु मंद लक्ष्म मृत्सन स्थिर कफा। तो कफ दोष का जो गुण का जो वो पॉइंट है, उसमें कफ दोष में गुरु गुण आता है। तो अगर हम लोग गुरु गुण के बारे में पढ़ लेंगे तो गुरु गुण के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सब हम कफ दोष में अप्लाई कर सकते हैं एंड उसकी फिजियोलॉजी को आसानी से समझ सकते हैं। वैसे हमने गुण अष्टांग हृदय में भी देखा है, लेकिन उसमें मैंने सिर्फ नाम लिया था, अभी हम लोग उसका डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए, तो हम लोगों ने अभी गुण का डेफिनेशन देख लिया, उसका दोषास के साथ रिलेशन देखा, अब उसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो पहला पॉइंट आता क्या है, जो भी हम शरीर गुण या फिर जो भी 20 गुण पढ़ने वाले हैं उसकी फिजियोलॉजी जो भी हम स्टडी करेंगे, उसका इफेक्ट क्या होता है दोष पे, धातु पे या फिर मल पे, उससे हमें दोषों को समझने में आसानी होगी जो भी हम पढ़ने वाले हैं, कफ दोष, पित्त दोष और वात दोष। फिर है गुण रिलेटेड विद पंच भौतिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, जो कि मैंने पहले बताया गुण है वो फंक्शनल प्रॉपर्टी शो करता है, वो हमेशा मैटर के साथ रहेगा, हमेशा वो एसोसिएट रहेगा मैटर के साथ। और गुण है वो मैटर को एग्जिस्ट कराता है अलग अलग स्टेटस में। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है वाटर का, यू ऑल नो डैट कि वाटर, आइस, वाटर और वेपर स्टेट तीनों में एग्जिस्ट करता है। ये एग्जिस्ट तीनों में क्यों करता है, ड्यू टू डिफरेंस इन क्वालिटी। फिर क्या आता है कि जो गुण है वो एक से ज्यादा फंक्शन को कैरी कर सकता है। ठीक है, और जब हम ये सेंटेंस का जब उल्टा करेंगे, मतलब वाइस वर्सा करेंगे, दैट इज वन फंक्शन में रिक्वायर मोर देन वन गुण, मतलब एक फंक्शन को करने के लिए एक से ज्यादा गुण की जरूरत भी हो सकती है, तो मतलब ये दोनों सेंटेंस सही है। अब अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा गुण 41 तरह के होते हैं, जिसमें से 6 आध्यात्मिक होते हैं और जो बचे हुए होते हैं वो आदि भौतिक होते हैं। तो पहले हम लोग आध्यात्मिक देखेंगे। आध्यात्मिक का मतलब होता है वैसा गुण या फिर वैसा क्वालिटी जो आत्मा से रिलेटेड हो। उसमें 6 आते, कौन कौन से? पहला इच्छा, मतलब डिजायर, द्वेष, हेट्रेड, सुख, हैप्पीनेस, दुख, मिजरी, प्रयत्न, इफर्ट्स और बुद्धि, इंटेलेक्ट। अब आते हैं आदि भौतिक, मतलब जो बॉडी से रिलेटेड हो। इसमें 2 आते, सामान्य एंड देन विशेष। सामान्य में वो डील किस क्वालिटी के साथ करता है, डील विद क्वालिटी ऑफ दोष, धातु, मला। इसमें 20 गुण आते हैं, जिसको हम लोग गुरुवादी गुण या फिर शारीरिक गुण बोलते हैं। और विशेष में ये वो डील किससे करता है, स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ 5 सेंस ऑर्गेन, जिसमें 5 आते हैं, डेट इज इंद्रियार्थ। आपने नाम सुना होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था इंद्रियार्थ के बारे में, अर्थ ऑफ इंद्रिया, डेट इज शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और ये जो शरीर गुण है जो हम लोग पढ़ेंगे, 20 गुण, गुरुवादी गुण, ये पढ़ने के बाद जो इंटायर मैनेजमेंट जो होता है ना आयुर्वेदा का, वो यही शरीर गुण के चारों तरफ घूमते रहते हो। अगर हम लोग एक बार इसको अच्छे से स्टडी कर लेते गुरुवादी गुण को डिटेल में, तो हमें दोषों को समझने में बहुत आसानी होगी एंड जिससे फिर हम लोग पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें से हमारा पहला आता है गुरु गुण और उसके एंटागोनिस्ट में लघु गुण। ठीक है, तो गुरु गुण को पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले गुरु गुण जो होता है वो हैवी होता है, वो एनाबॉलिज्म को इनिशिएट करता है, वो एक्सक्रेटा का जो भी अमाउंट होता है उसको बढ़ाता है। गुरु गुण की वजह से ये बढ़ता है, अगर हम लोग गुरु गुण का द्रव्य लेंगे तो उससे एक्सक्रेटा का अमाउंट इंक्रीज होगा। वो कफ को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये एंटी वात होता है ड्यू टू द क्वालिटीज, एंड जब हम इसे ग्रहण करेंगे तो इसके डाइजेशन होने में टाइम लगता है। फिर हम लोग देखेंगे इसके प्रीडोमिनेंट महाभूत,
इसमें पृथ्वी और आप का आधिक्य होता है। दोष अवॉइडेंस, इसमें बोल सकते हो कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, या फिर अगर हम लोग ये द्रव्य लेंगे ज्यादा सो इससे इसकी बढ़ने के भी चांसेस होता है, ये भी बोल सकते हैं। सो मेनली ये कफ दोष को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। धातु में ये सातों धातु को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। उपधातु में स्तन्य, वसा, त्वक, स्नायु, कंडरा और सिरा को, और मल में यूरिन, स्वेद, हेयर, नेल्स, फीसेस, डर्ट जो नोज के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ईयर्स, आईज एटसेट्रा, ये सबको वो बढ़ाता है या फिर बोल सकते एक तरह से नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। कौन? गुरुगुण जैसे। और फिर गुरुगुण में कौन से द्रव्य आएंगे? मीट हो गए या फिर स्वीट मील हो गए। अगर हम लोग इन पदार्थों को लेंगे तो इससे हमारे अंदर कफ दोष का नरिशमेंट होगा, या फिर अगर हमको इसको ज्यादा मात्रा में लेंगे तो कफ दोष के बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। अब आता है लघु गुण। लघु गुण पहले तो वो लाइट होगा, वो हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करेगा, ये एंटी कफ होता है और ये वात को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्यों? ड्यू टू द प्रीडोमिनेंट महाभूत, ये इजिली डाइजेस्टेबल होता है क्योंकि ये लघु होता है। अब इसमें महाभूत कौन होते? प्रीडोमिनेंट आकाश, अग्नि और वायु। अभी कौन कौन दोष को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है? वात को और पित्त को। धातु में रक्त को, उप धातु में रज को। क्यों? क्योंकि इसमें अग्नि पाई जाती है। मल में भी है यूरिन को, क्योंकि इसमें अग्नि पाई जाती है। और आप एग्जांपल ले सकते हो लघु गुण में कौन से द्रव्य आते हैं, तो पॉपकॉर्न, क्योंकि वो हल्का होता है एंड डाइजेस्टेबल होता है, इजिली डाइजेस्टेबल होता है। अब सेकेंड आता है शीत गुण और उसके एंटागोनिस्ट में उष्ण गुण। ठीक है, तो शीत गुण पहले तो कोल्ड होता है, उसमें जो प्रीडोमिनेंट महाभूत होते हैं वो आप पाए जाते हैं। अब इसका एक्शन देखेंगे वो क्या क्या होता है। सबसे पहले तो वो कोई भी पर्सन का मूड को एलिवेट करने में हेल्प करता है, वो बॉडी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है, डेट इज स्तंभन करता है, फिर मूर्छा, त्रिट, श्वेद और दाहजीत को इरेडिकेट करता है। मतलब मूर्छा मतलब कि बार बार कोई बंदा फेंट हो रहा है, उसे प्यास लगी है, स्वेद बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा है, और दाहजीत मतलब बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो ये सब को वो खत्म करता है। कौन? शीत गुण वाले द्रव्य या फिर उसके कोई भी, और इसको हम टच करके फील कर सकते हैं, परसीव बाय टच। अब आता है दोष अवॉइडेंस। सो ये वात और कफ को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। धातु में ये किसको किसको करेगा? रक्त, मेद, मज्जा और शुक्र। उपधातु में स्तन्य, वसा और मल में अक्षी स्नेह, मतलब जो आई में जो स्नेह जो पार्टिकल्स होते हैं वो। अब इसमें एग्जाम्पल आता है कि शीत गुण के कौन से द्रव्य होते हैं, तो तिक्त, कषाय और मधुर द्रव्य वाले, मधुर रस वाले द्रव्य शीत गुण में आते हैं। फिर आते हैं उष्ण गुण। उष्ण गुण हॉट होता है, इसमें प्रीडोमिनेंट महाभूत अग्नि और वायु पाई जाती है। इसका एक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो ये एंटी शीत होता है, ये कोई भी अगर वोंड हो गया तो उसको हीलिंग करने में हेल्प करेगा। उष्ण गुण की वजह से प्रस्पायरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि जो स्वेट है वो वेपराइज हो जाएगा, सो प्रस्पायरेशन बढ़ जाएगा, एंड इसको भी हम लोग टच से फील कर सकते हैं। फिर आता है सबसे पहला दोष अवॉइडेंस, तो ये पित्त को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। धातु में रक्त को, क्योंकि इसमें अग्नि पाई जाती है इस वजह से। उपधातु में रज को एंड मल में मूत्र को। ठीक है, और इसमें एग्जांपल कौन कौन से आते हैं द्रव्य में? चिली और ब्लैक पेपर, ये इन सब के सेवन करने से हमारे अंदर उष्ण गुण की प्रॉपर्टीज बढ़ती है। अब तीसरा है स्निग्ध गुण और उसके अपोजिट में रुक्ष गुण। तो सबसे पहले स्निग्ध गुण जो होता है वो अनकिटवस होता है, मतलब आप बोल सकते हैं स्निग्धता उसमें ज्यादा होती है। उसमें जो प्रीडोमिनेंट महाभूत होते हैं वो आप पाए जाते हैं, और उसका एक्शन क्या क्या होता है? सबसे पहले तो वो हमारे बॉडी में मॉइस्चर को मेंटेन करता है, वो बॉडी के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, कफ को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, एनाबॉलिज्म को प्रमोट करता है, पूरे बॉडी में सॉफ्टनेस प्रोड्यूस करता है, और वो एंटी वात होता है। इसमें दोषा से रिलेटेड कौन कौन से? कफ और पित्त को ये एक तरह से बोल सकते हो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे? घी और शीशम ऑयल, ये स्निग्ध गुण में आते हैं। अब आता है रुक्ष गुण। ये सबसे पहले तो ड्राई होता है, इसमें अधिक के महाभूत कौन कौन से होते हैं? अग्नि और वायु अकॉर्डिंग टू चरक। इसके एक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये एंटी स्निग्ध होता है, ये हमारे बॉडी के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, बोल सकते हो स्तंभन करता है, ये एक तरह से कैटाबॉलिक एजेंट की तरह काम करता है, ये वात को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये एंटी कफ होता है, और जितने भी एक्सेस फ्लूड होते हैं उसको रिमूव करता है।
दोष अवॉइडेंस में ये वात को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जो कि हमने पहले ही देख लिया। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, बारले और हॉर्स ग्राम। अब चौथा क्या है, मंद गुण और उसके अपोजिट में तीक्ष्ण गुण। तो सबसे पहले तो मंद गुण डल होता है, उसमें जो पंच महाभूत का जो प्रीडोमिनेंस होता है वो पृथ्वी और आप होता है। ये एनर्जी को मॉडरेट करता है और ये एक्शन को डिले करेगा। ठीक है, आप इसमें दोषास रिलेशन देखेंगे तो अवॉइडेंस इसमें कफ का होगा, मतलब आप बोल सकते एक तरह से नरिशमेंट। धातु में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड उप धातु में स्तन्य, कंडरा, शिरा, वसा, त्वक और स्नायु। और मल में हो जाएगा यूरिन, फीसेज, स्वेद, हेयर, नेल्स और एक्सक्रेट ऑफ आइज। इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं मंद गुण में, इसमें आप ले सकते हो बटर को, मतलब इसके खाने से अगर हम बटर लेंगे तो इसके मंद गुण के सारे कैरेक्टर्स हमारी बॉडी में शो होंगे। ठीक है, फिर आता है तीक्ष्ण गुण। तीक्ष्ण गुण शार्प और पेनिट्रेटिंग क्वालिटी इसमें होती है। इसमें जो प्रीडोमिनेंट महाभूत होता है वो अग्नि होता है और ये प्योरिफिकेशन, क्लिंजिंग और पेनिट्रेट में ये हेल्प करता है। ये पित्त को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अग्नि। ये एंटीवास होता है, एंटी कफ होता है और सिक्रेशन को इंड्यूस करेगा। अब आता है दोष अवॉइडेंस में। इसमें पित्त धातु अवॉइडेंस में रक्त, उप धातु में रज और मल में यूरिन। इसमें जो जो द्रव्य आते हैं मतलब खाने के लिए, वो हम लोग ले सकते हैं तीक्ष्ण गुण में ड्राई जिंदर। सो डैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के बचे हुए जो गुण है, 6 गुण, हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो सी, आई हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।